नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका कविराज धोलिया के नए ब्लॉग के अंदर। और आज हम जाएंगे स्पेशल जगह, तो आप हो जाइए फटाफट तैयार। तो भाई साहब, नहा धो के मैं आ गया अपने गांव खरनाड़, तेजा जी की जन्मभूमि और मेरी जन्मभूमि। तो मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं खरनाड़ में पैदा हुआ। और मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, यह है तेजाना मिष्ठान भंडार, जो है मंदिर से कोई 30 मीटर दूर। तो प्रसाद वसाद यहीं से ले लेते हैं, फिर मंदिर की तरफ जाते हैं। जय तेजा जी की। तो आप यहाँ बार मंदिर मंदिर आया स्पेशल वास्ते ना। तो पहली मंदिर आया जन, पहले आप चालना तेज बाबा धोक लगावा, बाकी की कहानी अलग, ठीक है? पहले चालना। अरे आप सोच रहे होंगे तेजा जी कहाँ गए, हम तो रोज ही यही देखते हैं तेजा जी को। अरे डरो मत, तेजा जी कहीं नहीं गए, तेजा जी यही है, इसी धरती पर, इसी जगह है। बस एक अस्थायी मंदिर के अंदर उनको विराजमान किया गया है उस समय के लिए बस। तो वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। बाकी ये मंदिर भाई बहुत याद आने वाला, बहुत ज़्यादा याद आने वाला है, क्योंकि इस मंदिर में बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी है। बचपन से लेके जवान इसी मंदिर में हुए हैं। जब यहाँ दौड़ना, यहीं से प्रसाद खाना, लंगाड़े बजाना, यहाँ बैठ के फोटो क्लिक करवाना, जय सिया राम करते बड़े हुए हैं, और यहाँ लोगों के प्रसाद चढ़ाना, सेवा करना, बहुत 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 यहाँ के जो 25 साल मेरे बहुत मिस करने वाला इस मंदिर को। बट तेजा जी को अगर कहीं और स्थापित किया गया है स्थायी तौर पर, यानी कुछ अच्छा ही होने वाला है। और तो शायद आप भी बहुत मिस करेंगे इस मंदिर को, क्योंकि आपकी भी बहुत यादें जुड़ी होगी। तो कमेंट कीजिएगा कि किस किन की यादें इस मंदिर से जुड़ी है। और ये मंदिर इसलिए भी कई कलाकारों को भी याद आता होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की और गानों की भी शूटिंग हो रखी है ना। ये जो आपको पीछे जो खुदाई होती दिख रही है, ये मंदिर को जो तोड़ा जा रहा है, ये इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे भव्य मंदिर बनेगा, जो अजय सिंह चौटाला और ने शुरुआत की थी रुपए देके। और जन सहयोग तो मिल ही रहा है आप लोगों का। तो यहाँ पे 90x90 और 25 फुट की गहराई में यहाँ खुदाई की जाएगी, क्योंकि एक मजबूत मंदिर बनाना है इस बार। तो अब ले चलते हैं वहाँ उस तरफ अस्थायी मंदिर में, तेजा जी के दर्शन भी तो करने हैं। आओ तो हम आ चुके हैं जो अस्थायी मंदिर बनाया पास में वहाँ पे। मगर देखो, पहला सिस्टम यही है कि मंदिर में जब भी घुसेंगे तो जो अपना चमड़े का ये जो बेल्ट है, ये हमें बाहर ही खोलना चाहिए। कई लोग होते हैं जो भूलवश ही अंदर घुस सकते हैं, और कई बार होता है जो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, जो चीज़ सिस्टम बना रखा है वो सिस्टम बना रखा है। तो चमड़े का अगर बेल्ट हो तो प्लीज़ आप इसको बाहर ही खोल दें, उचित रहेगा। और उसके बाद में मंदिर की तरफ चलते हैं। जय सियाराम। तेजा जी महाराज का जो ये पुराना मंदिर आपको जो कविराज जी ने दिखाया था, वहाँ तेजा जी महाराज का मंदिर था। और वहाँ से कल 11 तारीख को और तेजा जी महाराज के आदेश के अनुसार यहाँ तीज को और यह मूर्ति की स्थापना हुई थी, क्योंकि ये अस्थायी मंदिर है। कोई भी स्थापना हो गई तो उसकी पूजा पाठ होना जरूरी है, तो उसके लिए तेजा जी महाराज की यह अस्थायी मंदिर बनाया, ताकि तेजा जी महाराज की पूरा पूजा अर्चना चलती रहे और मेला भी निरंतर हर दशम की तरह यह मेला भरता रहे। और तेजा जी महाराज का जो भव्य मंदिर है 400 करोड़ का, उसका जो नक्शा है वो तैयार हो चुका है, और उसका निर्माण भी कार्य अब बस कुछ दिनों का 5-7 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तेजा जी महाराज की यही प्रार्थना थी कि भाई मेरी बहन मेरे पास में बैठे, और उनकी यही एक ही जगह लीलन घोड़ी की और तेजा जी महाराज और बुंगरी माता की यही पूजा होती है।
ये मुख्य कारण था। और तेजाजी महाराज के बहन का मंदिर भी है, वहीं पूजा होती है और यही पूजा होती है। ये जो पीछे बाड़ा दिख रहा है आपको, इसके अंदर जितना भी मार्बल जो मकराना से तैयार होके आएगा वो सारा इसी के अंदर रखा जाएगा। जो भी गढ़ाई होगी, जो भी सामान है, इसके लिए ये पर्सनली बना रखा है। आप चाहते हो कि घर बैठे तेजा जी की आरती को आप देखें, लाइव देख सकते हैं, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। फेसबुक तो हर घर में चलती है, मुझे पता है। वहाँ पे अपना एक तेजा जी का मंदिर का पेज है जिसका नाम है श्री वीर तेजा जी खरनाल धाम। ये इस प्रकार की प्रोफाइल आपको दिखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप इस पेज को ज़रूर जाके फॉलो करें और रोज़ तेजा जी धाम की जो आरती है उसके लाइव दर्शन लें और सौभाग्य प्राप्त करें। जय तेजा जी की।